केले के फल के अलावा इसके कचरे से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। इसके कचरे से कई प्रकार के प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। ये प्रोडक्ट बाजार में अच्छी कीमतों पर बिकते हैं। इसके तने, पत्ते, बाहरी छाल से रस्सियां, टोकरी, चटाई, बैग, यहाँ तक कि कपड़ा भी बनाया जा सकता है। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किसान प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित कर सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। केले से रेशम भी तैयार किया जा सकता है। मशीन की सहायता से केले के तने को दो भागों में काटा जाता है, फिर इसे अलग अलग भागों में और पतले भागों में काटा जाता है। इससे प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से रेशे निकाले जा सकते हैं। इन देशों से बनी रस्सियां बेहद मजबूत मानी जाती हैं। केले के तने से बने फाइबर से चटाई, दरी, हैंडबैग के साथ कागज भी बनता है। इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। बता दें कि केले के पौधे में कई तरह के कीट लगने की संभावनाएं रहती हैं। ज्यादातर किसान अपने पौधे के तने के अवशेष को खेत में ही छोड़ देते हैं। कुछ ही वक्त में ये अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे आगामी फसलों पर मिट्टी के जरिए बीमारियां या कीट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। केले के तने में आयरन और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा रहती है। इससे वैज्ञानिकों ने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने की तकनीक विकसित की है। यह फर्टिलाइजर पौधे के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा केले से चिप्स भी बनाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार की सूक्ष्म खाद्य उद्योग उद्यान योजना के अंतर्गत इससे जुड़े प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए बम्पर सब्सिडी भी दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज़।